नमस्कार, पब्लिक रिव्यू में आपका स्वागत है और हम मौजूद हैं इस वक्त भूतनाथ मार्केट में, जहां पे दिवाली की शॉपिंग शुरू हो चुकी है और दिवाली की तैयारियां यहां पे देखने को मिल रही है। मार्केट लग चुकी है और यहां पे लोग बाजारों में निकले हुए हैं। महंगाई अपने चरम पर है, लेकिन उसके बावजूद भी त्योहार महंगाई पर हावी है। जहां बात करें महंगाई की, तो वो अपने चरम पर है। पेट्रोल डीजल की बात करें या फिर घर के तेल की बात करें, सभी चीज़ महंगा हो रहा है, लेकिन शॉपिंग में कमी नहीं आई है। कोरोना काल में भी अर्थव्यवस्था को त्योहारों ने ही संभाला था और एक बार फिर त्योहार लौट आया है। तो क्या महंगाई हावी होती है या त्योहार, ये तो अब जनता ही बताएगी। तो जनता से जानेंगे कि इस बार महंगाई कहाँ पहुंची और लोगों की शॉपिंग किस तरह से हो रही है। तो जनता से पूछते हैं, भैया दुकान ठीक चल रही है? अभी तो ठीक नहीं चल रही है। लोग सामान लेने आ रहे हैं? अच्छा, रंगोली का पहले से सामान महंगा हो गया, सस्ता हो गया? मैम ये तो हमको नहीं पता है। नहीं पता है? पहले जिस रेट पे लाते थे उसी रेट पे आया है सामान इस बार? इस बार महंगा है। महंगा आया है तो लोगों को भी तो महंगा दोगे? हाँ लोगों को भी देंगे। लोगों को भी महंगा दोगे? कितना बढ़ गया पहले से रेट? ये मैम हमको नहीं मालूम है। नहीं मालूम है, लेकिन रेट बढ़ गया है। ठीक है, तो कब आएंगे लोग सामान खरीदने? अब आएंगे मैम, पहले बाद ही में आएंगे। अब बाद में आएंगे? दिवाली पे लोगों को सस्ता ही सामान मिलेगा? सस्ता वही पुराना रेट मिलेगा। पुराना रेट जो पिछले दिवाली पे था? अच्छा, और शॉपिंग लोगों ने शुरू कर दी है? आज से शुरू कर दी है। अच्छा, मतलब कल से नहीं आ रहे थे? अच्छा, दिवाली तक क्या लोग और बढ़ेंगे, भीड़ और दिखेगी? हाँ थोड़ी बहुत और रहेगी भीड़। और हो जाएगी? अच्छा, ये जो इतने कप दिख रहे हैं, इतने सजाने के सामान दिख रहे हैं, तो इस बार क्या कुछ नया आया है? वही पुराने हैं, नई डिजाइन नहीं आई, कुछ नहीं है। अच्छा, दिवाली सबसे ज्यादा लोग क्या खरीदते हैं? पीछे सुंदर पॉट है, तो क्या पॉट लेते हैं, कप लेते हैं? कप गिलास यही सब लेते हैं। लगने लगी दिवाली की दुकान? लगने लगी है। अच्छा, कब तक लग जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। जी। अच्छा, ये जो झालरें देखने को मिल रही हैं, तो क्या ये पहले से महंगी हो गई है कि सस्ती हैं? पहले से रेट बढ़े हुए हैं। रेट बढ़े हैं। अच्छा, लोगों की शॉपिंग में कुछ कमी आ रही है? ऐसा कुछ नहीं, कमी कोई नहीं है, क्रेज वही है आज भी। हाँ त्योहार तो हर कोई मनाएगा ही, ऐसा कुछ नहीं कि किसी का क्रेज कम हो जाए। अच्छा, कितना महंगा हो गया ये सजावट का सामान? ये मान लीजिए कि पिछली बार से कम 20% 25% रेट बढ़े हुए हैं। पिछली बार कोरोना की वजह से दिक्कत हुई थी हम लोगों को। अच्छा, जिस तरह से मार्केट सुधरा था कोरोना के बाद, जो मार्केट अर्थव्यवस्था नीचे गिर गई थी, लेकिन त्योहारों ने उसे काफी संभाला था, तो दिवाली से संभलेगा? हाँ दिवाली से संभलेगा, नवरात्रि जो शुरू हुई इससे ही मार्केट थोड़ी संभली है, नहीं तो उससे पहले तो पूरी डाउन ही थी। अच्छा, नवरात्र के वक्त कितना मुनाफा हुआ था, क्या कुछ सुधार आया था काम में? नवरात्र में तो कुछ किया नहीं था, लेकिन जो जिन्होंने किया है तो बता रहे थे क्या उसी में नवरात्र से ही मार्केट उठती है, क्योंकि उससे पहले तो मार्केट डाउन होती है। हाँ लेकिन खाना तो बनेगा ही, खाना तो इस बार मतलब पकवान वैसे ही बनेंगे? ओवर नहीं होता है, बस ओवर यूज नहीं है। महंगाई कितनी भी हो, जनता घर के बाहर निकल रही है और दिवाली की शॉपिंग शुरू हो गई है। तो अब बात करते हैं, पूछते हैं कितनी शॉपिंग हो रही है। तो आप शॉपिंग करने निकले हैं? जी मैडम, हम दिवाली की शॉपिंग करने आए हैं, हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं बरेली और पंजाब से, तो हम पूरा शॉपिंग करने आए हुए हैं यहाँ पर भूतनाथ। बड़ी दूर से आए शॉपिंग करने? हाँ भूतनाथ मार्केट फेमस है लखनऊ की, तो यहीं पर निकले हैं मार्केट में थोड़ा शॉपिंग करने घर के लिए। तो आज क्या क्या शॉपिंग हो गई है? अभी पूजा का सामान लिया है हमने, कुछ चिकन के कपड़े खरीदे हैं हमने, और एक नया मंदिर खरीदने की बात कर रहे हैं अभी हम। तो आप कहाँ से आए? मैं बैंगलोर से आया हूँ। नाम क्या है आपका? शंकर। अच्छा, तो आज किस चीज़ की शॉपिंग करने निकले लखनऊ में? लखनऊ बहुत फेमस है ना चिकनी के लिए, तो उसी के लिए निकले थे, थोड़े बहुत ले लिए और जेब भी बहुत हल्का हो गया अभी। तो महंगाई का सर दिख रहा है? बहुत बिल्कुल। अच्छा मैडम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हेमा। अच्छा, कहाँ से? बैंगलोर से। बैंगलोर से आई हूँ लखनऊ चिकन की कुर्ती खरीदने के लिए। अच्छा, तो चिकन की कुर्ती खरीदेंगे कि ज्वेलरी वाली भी शॉप? नहीं मैम, ज्वेलरी का शौक नहीं है, पर चिकन का बहुत शौक है इसलिए आई हूँ। अच्छा, तो महंगाई का असर दिख रहा है या फिर घर वाले एडजस्ट कर रहे हैं? मैम बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है कोविड के बाद तो। अच्छा, तो क्या आपकी शॉपिंग में कमी आई? नहीं मैम, उसमें कमी कभी नहीं आ सकती। अच्छा, आपको क्या लगता है आनी चाहिए लेडीज की शॉपिंग में कमी? बहुत बहुत कमी आनी चाहिए, खर्चा बढ़ता जा रहा है। अच्छा चलिए, आप बताइए कि महंगाई बढ़ रही है, आपकी जेब पे फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ रहा है। अच्छा, लेकिन लेडीज मान रही है? मानना तो चाहिए, वो तो अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, तो सरकार के लिए क्या कहेंगे, सरकार को मानना चाहिए कि घर की महिलाओं को मानना चाहिए? ये तो दुविधा वाली क्वेश्चन है, पर सरकार को माननी चाहिए और कंपनियों को भी माननी चाहिए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम दिया है, ताकि उनकी रेंट वेंट सब बच रहे, तो थोड़ा इंक्रीमेंट कर दो ताकि हम भी खुल के शॉपिंग करें और सबकी भला हो।
अच्छा, तो इस बार दिवाली पे कुछ कमी आएगी? महंगाई बढ़ रही है क्या? मतलब आपके जो सजावट होती है, जो पकवान होते हैं, जो त्योहार पे गिफ्ट दिए जाते हैं, कुछ कमी आ रही है क्या? उसमें तो नहीं आ रही है, पर गो ग्रीन बोल के पटाखे नहीं फोड़ रहे हैं। अच्छा। तो उसमें से खर्चे कम कर रहे हैं बस। अच्छा, मतलब पटाखे का खर्चा बचाया जाएगा सिर्फ, वो भी एनवायरनमेंट के नाम पे? एनवायरनमेंट के नाम पे, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है ना, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा सब एक तरफ। अच्छा। और ज्वेलरी की तरफ तो ऑलरेडी पहनी है, काफी है। ज्वेलरी पहनी है लेकिन दिलानी है, धनतेरस पे क्या लेने का प्लान है? अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया है। आप याद भी मत करवाइए मैडम को। ओके, और कपड़ों के मामले में? कपड़े में चिकन तो ले ही लिया है, और क्या कुछ प्लान है? अभी हम कुछ कुर्ता वगैरह देखने जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि शायद हमें अच्छा पसंद आ जाएगा, बट महंगाई तो बढ़ गई है, आप सही कह रहे हैं। कपड़ों में भी महंगाई पड़ी है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर चीज हम से रिलेट करें तो कुछ ना कुछ बढ़ाई है। हम किसी से भी दुकानदार से बात करते हैं तो कहते हैं सामान हमारा दूर से आ रहा है तो तेल के दाम बढ़ गए हैं, तो उस वजह से महंगाई बढ़ गई है। अच्छा जी, योगी जी ने बैठक बुलाई है क्यों पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, तो उस पर चर्चा करने के लिए, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ उम्मीद करते हैं, क्योंकि कुछ स्टेट के भी टैक्स होते हैं जो स्टेट अपना कम कर सकती है, तो अगर इसको जीएसटी में ले आया जाएगा तो शायद हो सकता है कि तेल के दाम कम हो जाएंगे और आम आदमी को अच्छे से पेट्रोल सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाएगी सरकार। और जिस तरह से दिवाली की शॉपिंग चल रही है और झालरें जो महंगी हो गई हैं, तो उसको लेके क्या प्लान है? क्या इस बार झालरें लगेंगी या फिर वैसे ही रहेगा सब नॉर्मल? अभी हम जैसे भैया ने बताया गो ग्रीन की बात कर रहे हैं, तो हम झालरें लाइट की बजाय इस बार हम फूल की झालरें लेने की कोशिश कर रहे हैं। फूल की झालरें अच्छी भी लगती हैं और एक इको फ्रेंडली और एक एनवायरमेंट फ्रेंडली के लिए हम उसको प्रमोट भी करते हैं। तो मेरी तरफ से मैं यही कहना चाहूंगा कि बिजली भी बचाएं और साथ फूल वाली झालरों का भी इस्तेमाल करें। और कौन कौन है आपके साथ? अच्छी चल रही है। अच्छा, पंजाब में इस टाइम कैसा हाल है? चुनाव का वक्त है? चुनाव का तो हमें इतना नहीं पता, पर ये है कि महंगाई तो सब जगह ही है। हमें चंडीगढ़ से आए हैं स्पेशल इस फेस्टिवल के लिए आए हैं कि शॉपिंग करेंगे थोड़ा दिवाली के लिए, तो अब की बार दिवाली लखनऊ में है हमारी। अच्छा। लखनऊ में क्या कुछ अच्छा लग रहा है? मतलब ये मार्केट बहुत अच्छी है, भूतनाथ मार्केट है। अच्छा, आपको लग रहा है कि मार्केट में महंगाई का असर है? बहुत बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मतलब भीड़ कम दिख रही है? मतलब कम भी है, महंगाई करके ही कम है, पर दुकान वाले तो अपना वो लेते ही है ना। ठीक है। ओके, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनी है। कहाँ से आई हैं? मैं लखनऊ में ही हूँ, और वैसे मैं बरेली से हूँ और शादी मेरी पंजाब हुई है। अच्छा। तो बड़ी खुश लग रही है, ऐसा क्या शॉपिंग करके आई है? हम शॉपिंग करवाने आए हैं एक्चुअली। अच्छा, मतलब खर्चा करने का मन नहीं है? नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा है इसलिए। और जैसे कि बैंगलोर से हमारे गेस्ट आए हुए हैं दीदी और जीजाजी, तो उनको शॉपिंग कराने आए। अच्छा, तो क्या कुछ बजट बिगड़ रहा है इस बार दिवाली पे? हाँ, जिन्होंने शॉपिंग की है उनका थोड़ा बजट बिगड़ा है। अच्छा। तो हमारा ये है कि हम शॉपिंग थोड़ा कम ही करेंगे। अच्छा, ऐसा होता है कि जो शॉपिंग करता है उसके साथ में ये भी होता है कि हम भी कुछ ले ले, तो आपने कुछ लिया? हाँ, हमने दिवाली के लिए कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें ली है। रेट बढ़ा है चीजों का? बहुत ज्यादा। दीयों का बहुत महत्व होता है दिवाली में, क्योंकि दीयों के बिना ऐसे दिवाली बहुत कम मनाते हैं लोग, बहुत कम ही होते जो कैंडल्स जलाते हैं, तो क्या उसके रेट में भी कुछ बढ़ा हुआ है? दिया भी बढ़ा हुआ है रेट। हाँ। जैसे पहले काफी चीप मिलते थे, है ना, वो 10 रुपए के मिल जाते थे 10, बट आज 10 रुपए के 4 ही दे रहे हैं वो, तो काफी ज्यादा है ये। अच्छा, करवा चौथ भी आपने मनाया होगा, आपको देख के लग ही रहा है, तो उसके टाइम पे अच्छी खासी शॉपिंग हुई होगी, क्योंकि लेडीज की तो होती ही है शॉपिंग, तो आपको क्या रेट बढ़े हुए दिखे, किस चीज में सबसे ज्यादा रेट बढ़े हैं? हर चीज के रेट बढ़े हैं। अच्छा। इवन अगर ई रिक्शा भी करेंगे उसका भी रेट 5 रुपए बढ़ा ही है। घर का बजट कैसे मैनेज करती है जब चीजें बढ़ रही है? पेट्रोल की बात करें, घर के खाने पीने की चीजों की बात करें, तेल की बात करें, हर चीज का रेट बढ़ रहा है, तो एक बजट बनाना होता है महिलाओं को, तो वो कैसे मैनेज कर रही है? देखिए, जो खर्चे होने वो तो होंगे ही, जो महंगाई बढ़ रही है उस पर खर्चे कम नहीं हो सकते ना। अब महंगाई बढ़ रही है वो सरकार बढ़ा रही है, ठीक है, बट खर्चे तो होने ही है। तो सरकार को क्या कहेंगे, किस तरीके से कम करना चाहिए? और जैसे मुझे जो बेसिक जो मुझे फील हुआ कि पेट्रोल के रेट बहुत बढ़ गए, है ना, जो कि जो बेसिकली हर बंदे की नीड है, और हर कोई इतना नहीं चल सकता, इतना पैसा नहीं खर्च कर सकता, तो पेट्रोल के रेट में कमी आनी ही चाहिए। अब कुछ दुकानों का हाल भी जान लेते हैं कि पूजा सामग्री में महंगाई का क्या असर देखने को मिल रहा है, तो हमारे साथ पूजा की सामग्री भी है और साथ में उसके दुकानदार भी है, तो उन्हीं से जानते हैं। भैया, पहले से कितना रेट बढ़ गया है चीजों का, पूजा की सामग्री पे कितनी महंगाई? मान के चलिए 2-4 रुपए मतलब बढ़ गया दर्जन पर। अच्छा, पीछे से महंगा आता है सामान अब? हाँ, आ रहा है थोड़ा तो महंगा ही आ रहा है। रेट बढ़ा रहे? नहीं, ज्यादा नहीं, अब जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से तो बढ़ाएंगे थोड़ा सा। इतनी महंगाई हो रही है, लेकिन आपको क्या कुछ प्रॉफिट मिल रहा है? आपका घर सही चल पा रहा है? नहीं, मिलेगा क्यों नहीं, जब मेहनत करेंगे तो सब कुछ मिलेगा, जो नहीं मेहनत करेगा उसे नहीं मिलेगा। महंगाई से खुश हैं आप?
नहीं खुश क्यों है, महंगाई मतलब तो दिक्कत सबको होता है, छोटे आदमी को ज्यादा दिक्कत होती है, बड़े आदमी को इतना नहीं दिक्कत है। मतलब खाने पीने का सामान जो है रेट बढ़ रहा है, सब्जी महंगी होती जा रही है, तो क्या कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? हाँ तो दिक्कत रहता ही है, लेकिन अब क्या हो, जो है सब पे है, हम पे तो अकेले है नहीं। अच्छा, लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी पूजा के सामान की? नहीं अभी इतनी नहीं है, अभी तो हल्का फुल्का है, लेकिन अब लगा रहे हैं, अब दो चार दिन में होगा बढ़ के। अच्छा, तो दिवाली के पहले तक अच्छी बिक्री होने लगेगी? हाँ दो तीन दिन पहले बढ़िया होती है, अभी तो कम। तो चलिए अब आगे भी और लोगों से जानते हैं कि किस तरह से उन पे महंगाई की मार पड़ रही है और दुकानों का क्या हाल है इस वक्त त्योहार के मौसम में। तो चलिए अब कपड़े की दुकान पे सबका हाल जान लेते हैं कि दिवाली कैसी मन रही है और कितनी खरीदारी की जा रही है। भैया दिवाली की दुकान सही चल रही है? जी हाँ सही चल रही है। अच्छी बिक्री हो रही है, ग्राहक आ रहे हैं? आ रहे, पहले से तो आ ही रहे मैम। महंगाई बढ़ गई, दाम तो आपने बढ़ा दिए होंगे, क्या असर पड़ रहा है? नहीं वही दाम है मैम, हम वही दाम है। वही दाम। अच्छा कुछ सस्ता नहीं किया है दिवाली पे, डिस्काउंट नहीं दे रहे? नहीं है क्यों नहीं, डिस्काउंट है क्यों नहीं मैम, होता है। ठीक है, हम खरीदारों से ही पूछ लेते हैं। मैडम आपने कुछ शॉपिंग करी है, कुछ बोलेंगी, क्या कुछ सस्ता मिला है? हाँ मैम सही है, और दुकानों से सही है यहाँ पे, और दुकानों से सही है। दिवाली की शॉपिंग शुरू हो गई जी। अच्छा क्या लिया है आपने? बेबी के लिए। बेबी के लिए लिया है, पहले जैसे रेट पे मिल रहा है? अभी स्टार्टिंग की है मैंने बेबी का, तो नहीं मतलब कपड़े आप शुरू से लेती हैं? सही मिल रहा है, सही मिल रहा है, दाम सही है यहाँ पे। ठीक है, और अपने लिए कुछ खरीदारी नहीं करी अभी? अच्छा दिवाली पे घर के लिए भी शॉपिंग शुरू हो रही है, तो आपने शुरू कर दी शॉपिंग? हाँ शॉपिंग शुरू कर दी। ठीक है, तो घर का सामान लेना शुरू कर दिया है, क्या उसके रेट में कुछ बदलाव दिखा? हाँ बदलाव तो है इस बार। अच्छा, और बजट कैसे मेंटेन करती हैं, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई को देखते हुए बजट बिगड़ गया होगा, सभी का बिगड़ा है? आराम से सुधार लेती हैं बजट। अच्छा बजट सुधार लेती हैं या फिर घर के काम को? नहीं महंगाई तो हर तरफ देखने को मिल रही है, और अब देखते कि ज्वेलरी और मेकअप के सामान में कितना रेट बढ़ गया है या फिर शॉपिंग में कुछ कमी आई है महिलाओं की। तो भैया कुछ रेट बढ़ा है या फिर उतना ही है? रेट बढ़ के आया, रेट बढ़ के आया है। और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, महिलाएं अपनी शॉपिंग में कुछ कमी कर रही है क्या? हाँ कमी तो बहुत है इस समय, कमी बहुत है, लेकिन दिवाली के टाइम तो सब ठीक होना चाहिए, बराबर स्तर पर आ जाएगा, लेकिन महंगाई बढ़ती रहती है, लेकिन किसी खरीदारी कम नहीं होती, लेकिन क्या करा जाए। करवा चौथ के टाइम कैसी रही आपकी बिक्री? ठीक ठाक थी, ज्यादा दिवाली पे भी बढ़िया रहेगी, अब देखते हैं ऊपर वाले की मेहरबानी हो तो ठीक भी होगी। अच्छा, मार्केट ठीक चल रहा है? मार्केट इस समय ठीक नहीं चल रहा, मार्केट डाउन चल रहा है महंगाई की वजह से। अच्छा, कम कस्टमर आ रहे हैं? बहुत कम आ रहे हैं। मतलब अपने घर का बजट सब यहीं से मैनेज कर रहे हैं? अब देखिए मैनेज तो करना ही, चाहे यहाँ से करें चाहे जहाँ से करें, करना तो है ही है मैनेज। जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है उस पर आप क्या कहेंगे, किस तरह से लगाम लगनी चाहिए, क्या सरकार कोई कदम उठाने चाहिए? कदम तो बहुत सरकार उठाती थी, लेकिन नहीं लगता तो क्या किया जाए उसके लिए। खुश हैं आप इस सरकार से, जो इतनी महंगाई बढ़ रही है, क्या सरकार के ऊपर कोई आरोप लगाते तो नहीं दिख रहे लोग, खुशी नजर आ रहे हैं, आपका क्या कहना है? हमारा भी कहना तो चल रहा है, सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है, चलता रहेगा। अच्छा, अगर रेट और बढ़ते हैं, पेट्रोल डीजल के बाकी चीजें भी महंगी होंगी, तो महंगाई का अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा, तब भी सब बढ़िया है? सब बढ़िया है, सब बढ़िया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम। अच्छा, आप यहाँ पे शॉप देखती हैं? जी जी। तो कितनी कमी आ रही है महिलाओं के बिहेवियर में, क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है महंगाई की वजह से? बहुत सा देखने मिला है, शॉपिंग कम हो गई महिलाओं की। अच्छा, ये कहा जाता है कि महिलाएं कभी शॉपिंग कम नहीं कर सकती हैं, लेकिन आप कह रही है कम देखने को मिल रहा है? नहीं कम ही हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो महंगाई का असर पड़ रहा है, और कस्टमर से भी जान लेते हैं कि कितनी महंगाई का असर पड़ रहा है, क्या उनकी कुछ शॉपिंग कम हुई है? शॉपिंग करने आई हैं आप? बिल्कुल। अच्छा, महंगाई का कुछ असर पड़ रहा है क्या, क्या यहीं पे मैनेज करा जा रहा है सारा बजट शॉपिंग में? डेफिनेटली कोविड की सिचुएशन की वजह से मार्केट काफी डाउन हुई है, तो ऑफकोर्स प्राइस तो होगा बढ़ रहे हैं, तो पैंडमिक ने तो सबको ही हिला रखा है, सो ऑफकोर्स मार्केट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग बाय देयर ड्यूट्स। तो कॉस्मेटिक में किस तरह से खर्चे कम कर रही हैं लेडीज? चीजें कम, लिपस्टिक तो नहीं ले रही है मास्क की वजह से। अच्छा, लिपस्टिक में कमी करी जा रही है, ओके। और बाकी मेकअप में भी कुछ कमी आ रही होगी, मास्क है तो? ऑफ कोर्स मास्क है तो देयर इज नथिंग टू हैव। दिवाली पे तो सब ट्रेडिशनल होके अच्छे से फोटो वोटो क्लिक कराने के लिए रेडी होते हैं, तो उस पे शॉपिंग कैसी रहेगी? उसमें तो डेफिनेटली हाई रहेगी, सारा बजट जितना एक साल में बचा है वो सब उड़ने वाला है। हाँ, फेस्टिव सीजन में सब एक साथ।
अच्छा, मतलब दुकानदारों को अच्छी खासी कमाई होने वाली है इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक यू। अब बाकी लोगों से भी जानते हैं कि महंगाई का असर देखने को मिल रहा है, ये शॉपिंग दमदार होगी। दीपावली दियो के बिना अधूरी है, तो दियो की महंगाई कितनी बढ़ गई है, क्या रेट वैसे ही है, ये कुछ बेसिक से सवाल है जो जानना जरूरी है, क्योंकि बिना दियो के दिवाली कैसे पॉसिबल होगी, और अगर दिए ही खरीदने में लोगों को दिक्कत होने लगी तो दिवाली कैसे मनाएंगे। तो पहले रेट जान लेते हैं। तो दादा, कितनी कमी आई है दामों में, क्या बढ़ गए दाम? दाम बहुत बढ़ गए हैं साहब। ये 100 रुपये के 100 बिक रहा है, वो 200 रुपये के 100 बिक रहा है, और ये कुल्हड़ इतना जो हम लोग इतना भैया द्विज के लिए बेचते थे इतना 10 रुपये का, वो आज हो गया 20-25 रुपये का। बहुत दाम बढ़ गए हैं सर। अच्छा, ये मिट्टी का है दिया, लेकिन सस्ता होना चाहिए ना? नहीं, इसका इतना जो पकाया जाता है माल, इससे ज़्यादा बहुत महंगाई हो गई है। माल लाने में इतना तेल कितना ज़्यादा कितना उससे होता है साहब, इसलिए महंगाई है, भाड़ा महंगा है साहब इसका। अच्छा, पहले लोग कितने दिए खरीद ले जाते थे? कम से कम 200-200 दिया खरीदते थे, अब तना 25 और 50 खरीदते हैं साहब बस, और ज़्यादा नहीं खरीदते हैं। महंगाई की वजह से लोगों ने कम खरीदना शुरू कर दिया। हाँ जी, बहुत महंगाई की उससे बाधा कर दिया खरीदना। अच्छा, करवा चौथ पे करवे बिके थे, तो क्या उसके रेट में भी कुछ बढ़ोतरी हुई थी? नहीं, बहुत कम हो रहा है उसमें तो, कम है मगर दिए में ज्यादा हो गई है उसमें। अच्छा, तो दिए के बिना दिवाली कैसे मनाएंगे? बिना दिए के इतना तेल भी महंगा है, इसलिए हर आदमी घबरा रहा है कि हाँ 200 रुपये लीटर तेल है, कैसे इतना हम खरीदते हैं इसमें जलाएंगे, इसीलिए 10 और 20 दिया लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते हैं, 100-200 कोई नहीं लेता साहब। अच्छा, तो क्या करा जाए जिससे महंगाई कम हो जाए और दिए सस्ते हो जाए, लोग अच्छे से दिवाली मनाए? सरकार जो कुछ कर सकती है वो इतना तेल सस्ता कर दे बस, इतना महंगाई कम हो जाएगी, सब भाड़ा कम हो जाएगा, हर एक चीज में लाने ले जाने में इतना कम हो जाएगा, यही सब हो सकता है साहब। अच्छा, सरकार को कदम उठाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सरकारें कर सकती है और हम लोग क्या कर सकते हैं साहब, महंगाई के पीछे हम लोग भी परेशान है। 200 रुपया लीटर करवा तेल कोई जलाने का राजी नहीं है साहब, पहले तो 100 रुपये में रहा, 75 रुपये में रहा, तो बड़े खुशी से जलाते थे, दो दो से दिया जलती थी, अब वो नहीं हो रहा है साहब। अच्छा, जब इतने कम दिए बिक रहे तो घर का गुजारा कैसे चल रहा है साहब? अब कोई तरह से इतना अपना जैसे छोटा मोटा परिवार है, गुजारा किया जाता है साहब। अच्छा, तो महंगाई का बुरा असर देखने को मिल रहा है, सब्जियां महंगी हो रही है, तेल महंगा हो रहा है, खाने पीने में क्या कुछ बदलाव हुआ है? बहुत कुछ बदलाव हुआ, जो कि इतना पहले साग सब्जी खाई जाती थी, अब वो उतने बहुत मुश्किल से मिल पाती है साहब। ठीक, तो परेशानियों का सामना तो लोगों को करना पड़ रहा है, दियो के दाम भी बढ़ गए हैं और दिए इतने महंगे हो रहे हैं कि जनता परेशान है कि तेल कहाँ से लाएंगे, दिए कैसे खरीदेंगे और दिए जलाएंगे कैसे। तो दिए भी गायब होते दिख रहे हैं महंगाई की वजह से, लोग अब कम खरीद रहे हैं, तो जो गरीब लोग हैं जिनका परिवार इससे चल रहा है, तो वो भी खासा परेशान दिखाई दे रहा है कि खाएंगे क्या और दिवाली मनाएंगे क्या। अब आगे जानते हैं कि लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़िया चल रही है। अच्छा, कस्टमर आ रहे हैं? आ रहे हैं। अच्छा, पहले जैसे बिक्री हो रही है? हो रही है, उससे ज्यादा हो रही है। अच्छा, ये सब के रेट बढ़े हैं या वैसे ही हैं? रेट तो बढ़े हुए हैं, काफी बढ़े हुए हैं। अच्छा, तो लोग मतलब पहले जैसे खरीदते थे दो दो चार चार वैसे ही खरीद रहे हैं? नहीं, उससे कम खरीद रहे हैं, थोड़ा कम बिक्री हो रही, लेकिन ये है कि हो रही थोड़ा बहुत। अच्छा, क्या लगता है दिवाली तक सारा सामान खत्म हो जाएगा, कस्टमर खरीद लेंगे? तो नहीं लग रहा है, नहीं, महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से सर देखने को मिल रहा है, घर में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है महंगाई की वजह से कम काफी दौर से लोगों को गुजरना पड़ा है इस महंगाई की वजह से, काफी काफी समस्याएं हो रही, पेट्रोल बढ़ गया और कस्टमर बार्गेनिंग करते हैं अच्छा, तो क्या आप रेट बढ़ा के लगाते हैं या फिर महंगाई की वजह से बार्गेनिंग करते हैं? नहीं नहीं, महंगाई भी है और मान लीजिए जो रेट 10 रुपये है तो हर ग्राहक चाहता है कि भाई हम इसको 5 में ले जाएं, 8 में ले जाएं, इसलिए बार्गेनिंग करता है। ग्राहक सस्ता सामान चाहता है और आप ज्यादा कमाना चाहते हैं, क्योंकि महंगाई ज्यादा है तो दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा होगा। जी, करना ही पड़ा बहुत। कैसे मैनेज करते चीजें? बस ऐसे थोड़ा बहुत वो ले लेते हैं, थोड़ा बहुत हम ले लेते हैं, इसी प्रकार से थोड़ी थोड़ी कमाई करके दोनों लोग खुश रहते। हाँ, खुश रहते। अच्छा, दिवाली कैसे मनाएंगे इस महंगाई में? अब जैसी कमाई हो जाएगी उसी हिसाब से मना लिया जाएगा। क्या उम्मीद है कैसी कमाई हो सकती है, मतलब अच्छा प्रॉफिट निकल जाएगा? अच्छा प्रॉफिट तो नहीं, लेकिन ये है काम चला हुआ आ सकता है। बच्चों के लिए कपड़े अपड़े ले लिए? अभी तो नहीं लिए हैं, कमाएंगे तब लेंगे। अच्छा, तो बच्चों ने क्या पटाखे अटाखे मंगाए, कपड़े अपड़े मंगाए हैं? पटाखे तो हम लोग फोड़वाते नहीं है, क्योंकि पटाखे फोड़वाना नाजायज है। अच्छा, पकवान बनते हैं, तेल महंगा हो रहा है, तो क्या पकवान वैसे ही बनेंगे जैसे पहले बनते थे, सारे पकवान बनेंगे? नहीं बनेंगे, लेकिन कम बनेंगे, बनेंगे थोड़े बहुत। अच्छा, बनेंगे। त्योहार मनाया जाएगा खुशी से? हाँ, खुशी से मनाया जाएगा। इतनी महंगाई हो रही, खुश हैं आप? नहीं, महंगाई से नहीं, आदमी कोई आदमी नहीं खुश है, क्या हम ही हुए? तो सरकार से कोई शिकायत है क्या महंगाई को लेके? कोई शिकायत नहीं, तो सरकार से कोई शिकायत नहीं है, जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, काम बढ़िया है सरकार का?
बढ़िया तो है, काम तो योगी जी महाराज का बढ़िया था। योगी जी से आप नहीं चाहते कि थोड़ी सी महंगाई कम हो जाए? अरे वो तो पूरा जनता चाहती, कौन नहीं चाहता, केवल हम ही थोड़ी, पूरी जनता चाहती है कि महंगाई कम। क्या वजह है कि मतलब महंगाई भी है और इसके बाद भी काम से खुश है, क्या कौन सा अच्छा सा काम किया है योगी जी ने? अब योगी जी की सरकार में बढ़िया सड़कें बनाई जा रही हैं, लोगों के रहने की सुविधाएं अच्छी हो रही हैं, लोग निसंकोच रात रात भर अपना टहल घूम रहे हैं, खा पी रहे हैं, और अच्छी व्यवस्था है, कानून व्यवस्था भी अच्छी है, इसलिए जो है जनता खुश है। कानून व्यवस्था अच्छी है फिर महंगाई का कोई डर नहीं है? अब महंगाई तो सबके ऊपर आ रही, केवल एक आदमी के ऊपर आ रही, सबके ऊपर। जानते हैं कि क्या वो खुश है या फिर नाराज है महंगाई से। दिवाली का त्योहार हो, लक्ष्मी जी की, गणेश जी की पूजा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो गणेश लक्ष्मी लेने भी लोग जरूर आएंगे। और हम गणेश लक्ष्मी की दुकान में पहुंच गए हैं, जहां पे जानेंगे कि महंगाई का हाल कैसा है, लोग खरीदने आ रहे हैं या फिर अभी वक्त लगेगा उनको खरीदारी करने में। क्या वो सोचेंगे विचारेंगे कि गणेश लक्ष्मी कब लानी है और सस्ती लानी है महंगी लानी है, क्या आखिरी में लेनी है सस्ती मिल जाएगी, यही सब चीजों के सवाल अभी हम जानेंगे। भैया दुकान लग गई है जी? लगे मैम। लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी? अच्छा, मूर्तियाँ बड़ी सुंदर है, क्या दाम भी बढ़ा दिए क्या? नहीं दाम नहीं बढ़े, दाम वही है। दाम वही है। अच्छा, क्या बार्गेनिंग कर रहे हैं लोग? बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, सस्ता लेना चाहते हैं इसलिए कि महंगाई बढ़ गई है? इसलिए महंगाई बढ़ गई इसलिए। अच्छा, किस रेट से शुरू होती है? रेट क्या शुरू है बताओ, रेट बताओ, रेट शुरुआती रेट क्या है लक्ष्मी गणेश जी के? 120। अच्छा, और सबसे हाईएस्ट रेट क्या है? 2,500 रुपए तक है बस। 2,500 तक? कौन सी ऐसी मूर्ति है जो 2,500 की है? कलकत्ते वाली दिखा देंगे ओ सामने, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि 2,500 की भी यहाँ पे मूर्तियां अवेलेबल है, जब यहाँ पे महंगाई चरम पर पहुंच रही है। पूरा सजावट का सामान भी है गणेश लक्ष्मी की दुकान पे है, मोमबत्तियां भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। भैया सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है इस वक्त? लटकन बिक रही है, झालरें बिक रही है, लोगों ने घर से जाना शुरू कर दिया। अच्छा, गणेश लक्ष्मी की सबसे ज्यादा बिक्री किस दिन होती है? धनतेरस के दिन। धनतेरस के दिन? अच्छा, धनतेरस के दिन। और कपड़े अपड़े इन सब के दाम क्या है, बढ़ गए हैं क्या? वही है। और कैंडल लोग खरीद रहे हैं? तो खरीद रहे हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा सस्ता क्या है यहाँ पे? सबसे ज्यादा ये 20-10 रुपए कपड़े, भगवान जी के कपड़े। और मूर्तियाँ जो बिक रही है वो किस रेट में बिक रही है, सस्ती वाली महंगी वाली? महंगाई का कुछ असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, सन्नाटा देख रहे, कितना सन्नाटा है, महंगाई का सन्नाटा है। अच्छा, क्या लोगों में कुछ कमी दिख रही है, बार्गेनिंग हो रही है? चलिए कस्टमर से भी जानते हैं कि महंगाई है क्या। मैडम, हम बहुत दूर भेजना चाहते, हेलो हाउ आर यू, फाइन। महंगाई कैसी है? ए तारामंडल, तारामंडल। अच्छा, मतलब कि महंगाई खूब चरम पर है। हमने देखा आप बार्गेनिंग कर रही है, क्या महंगा दे रहे हैं क्या सामान? महंगा तो दे ही रहा, हमने कहा इतना छोट छोट सुंदर है लक्ष्मी गणेश जी, हमने कहा वो 180 बोल रहा था, असल नॉट एट ऑल अनइमेजिनेबल, हाँ, बट स्टिल आई रिक्वेस्टेड हिम टू गिव एटलीस्ट फॉर 85-90 रुपीज, बट स्टिल ही इज नॉट विलिंग टू गिव। तो हमने, भैया लोग कह रहे हैं कि उनको भी महंगा सामान मिल रहा है पीछे से, इसी वजह से महंगाई है, महंगाई है तो महंगा बेच रहे हैं। नहीं, महंगाई अपनी तरफ है, ये लोग ज़रूरत से ज़्यादा। अब देखिए बिजली वाले भी, जो यूनिट्स नहीं है, कोरोना काल में बाहर चले गए हैं, घर में ताला पड़ी है, फिर भी वो अपने मन से 20-20 हज़ार 35 हज़ार इस तरीके से डाल रहा है, और बिजली ऑफिस के पीछे भाग रहे, तब वो एडजस्ट कर रहा है, अभी तक एडजस्ट वस्टर्ड नहीं, मार्केट सब ऐसे ही चल रहा है बस। अच्छा, महंगाई हर तरफ है, क्या गिफ्ट्स वैसे ही लेंगी? पहले सबको गिफ्ट करती थी, पकवान बनते थे, सब कुछ वैसे ही रहेगा दिवाली पे इस बार? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, अपने घर में करेंगे, सी एंड एंजॉय। अच्छा, घर में पटाखे जलाए जाएंगे? नहीं, बस अगर जलाएंगे तो भी फूल चढ़ी, बस इतना ही, नो पोल्यूशन। और ये डॉल्स डेकोरेशन, डेकोरेशन के लिए क्या चीजें ले रही हैं आप? डेकोरेशन के लिए झालर सब लेते हैं, और मुकुट है, ये है वो। पहले से कुछ बदलाव आया है इनके रेट में? किस में? झालरों में, डेकोरेशन के सामान में क्या कुछ बदलाव आया है पहले से रेट? अब देखिए, अब जैसा दिन चलता है वैसा रेट्स भी चलता है, अब वी कांट कंपेयर विद 15 ईयर्स बैक और अब के, है ना, है ना। महंगाई से लोग खुश तो नहीं है, बार्गेनिंग करके कुछ अपना बजट संभालना चाह रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है बढ़े, लेकिन रीजनेबल रेट पे मिल जाए। वहीं दुकानदार भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेके जाए। सर, कैसा चल रहा है बिजनेस? ठीक है, ठीक है।
पटरी पे जा रहा है। ठीक है सर, आप लोग शॉपिंग करने आए दिवाली की? दिवाली शॉपिंग चल रही है, क्या कुछ ले रहे हैं? बहुत कुछ ले रहे हैं। बहुत कुछ? अच्छा, कुछ महंगा तो नहीं हुआ है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। सब पहले जैसे रेट पे है? अच्छा, मतलब पहले जैसे ही चल रही है शॉपिंग दिवाली की, वैसे ही चलेगी जैसे पहले एंजॉय करते थे? ओके, चलिए अब हम रेट भी जान लेते हैं कि खाने पीने के चीज में कैसा रेट चल रहा है। सर कैसा रेट चल रहा है इस वक्त, क्या कुछ बढ़ाया है रेट? रेट तो बहुत बढ़ गए हैं पहले से। ऑयल के इतने महंगे रेट हैं। अच्छा, तो ऑयल बढ़ा है तो रेट भी बढ़ गया है। लेकिन कस्टमर सेटिस्फाइड लग रहे हैं, ऐसा क्या जादू किया है? क्वालिटी है ना। अच्छा क्वालिटी है। अच्छा तेल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है? आ रही, कह तो रहे हैं आगे घटेंगे, अब धीरे धीरे घटना शुरू होंगे। अच्छा आगे घटेंगे, सरकार घटा देगी? लग तो यही रहा, सरकार पे भरोसा है बिल्कुल। अच्छा कैसा लग रहा है सरकार का काम? बहुत बढ़िया। बढ़िया, ठीक है। दिवाली पे बिजनेस कैसे जा रहा है? दिवाली पे बिजनेस कैसे जा रहा है? ठीक है, अब सही है। ठीक है, तो दिवाली तक और भीड़ दिखाई देगी यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल दिखाई देगी। थैंक यू सो मच। लुक में तैयार होते हैं तो कैसी चल रही है शॉपिंग? अभी कुछ इतनी खास नहीं चल रही, मगर हाँ बेटर है। दिवाली पे अच्छा रिस्पांस मिलेगा, उम्मीद तो यही है मैम। अच्छा, चूड़ियों के दाम कुछ बढ़े हैं कि वैसे ही है? जब पेट्रोल के रेट बढ़े हैं तो जाहिर सी बात है चूड़ियों पे भी। हाँ जी मैम। लेकिन लड़कियों की शॉपिंग कम नहीं हो रही है ऐसा हम देख रहे हैं? मैम अब शॉपिंग तो कम नहीं हो सकती, फंक्शन है तो सब लोग यूज करेंगे ये चूड़ी, अब बस वही है चीजें महंगाई। कॉस्मेटिक पे महंगाई का असर देखने को मिला? बिल्कुल मैम। बजट यहीं से मैनेज हो रहा है? हाँ बिल्कुल मैम। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि लेडीज को वैसे ही शॉपिंग करनी चाहिए जैसे पहले हो रही थी? बिल्कुल मैम, होनी चाहिए शॉपिंग, होनी चाहिए। लेकिन वो तो अपना बजट मेंटेन कर रही है। अब जिसके पास बजट होगा वो जितनी ही शॉपिंग करेगा, जैसे कुछ लोग पहले ज्यादा लेते थे अब थोड़ा कम लेने लगे हैं। तो प्राइम टीवी के लिए हमने ये रिपोर्ट दिखाई कि कहां लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग खुश भी नजर आ रहे हैं क्योंकि महंगाई बढ़ तो रही है लेकिन त्योहार के ऊपर इससे कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि त्योहार बड़े त्योहार होते हैं, साल में एक बार आते हैं, तो लोग भी चाहते हैं इसको अच्छे से मनाएं। वैसे भी लास्ट ईयर इतने अच्छे से त्योहार नहीं मना पाए लोग क्योंकि कोरोना काल था, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार कुछ खास है, कुछ अलग है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। प्राइम टीवी में मैं शिखा मेहरोत्रा, कैमरामैन वीरेंद्र के साथ, लखनऊ।